بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق बसमिल्लामान रहीम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स असलकुम क्लास सिक्स योर सब्जेक्ट इज़ जनरल साइंस स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स तक कंप्लीट कर लिया था आज जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर सो ओपन योर बुक्स पेज नंबर फिफ्टी नाइन हैव यू ओपन योर बुक्स ओके लेट्स स्टार्ट चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हमने सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन की थी इसी तरह लिक्विड और गैस तो स्टूडेंट्स अब हमने ये पढ़ना है कि मैटर की स्टेट्स जो हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैस है ठीक है अब हमने इनमें चेंजेस के बारे में पढ़ना है कि कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है इसी तरह पर जो गैस है वो वापस लिक्विड में और सॉलिड में कैसे चेंज होती है तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बारे में पता है तो मैं आपको यहाँ पर पहले दोबारा से सॉलिड लिक्विड और गैस इन पार्टिकल्स को बनाकर दिखा रही हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं और इसमें जो टर्म्स यूज़ होंगी ना उनकी जो ब्रीफिंग है वो आपको आगे टॉपिक्स में मिलेगी तो मैं उसमें आपको डिफाइन करूँगी सो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉलिड के बारे में सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को मैं यहाँ पे शो करवाऊँगी क्योंकि हम सब जानते हैं और आप भी पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होती है स्पेसेस बहुत कम होती हैं और इनकी एक डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है हम इसको इजीली जो है ये मैं इसके अंदर ही रख रही हूँ ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है ठीक है और इसको हम इजीली कंप्रेस या प्रेस नहीं कर सकते ना ही इसको मोल्ड कर सकते हैं तो इसलिए इसको सॉलिड के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं जिसके बाद हम सॉलिड को चेंज कर सकते हैं लेकिन अब देखते हैं कि हम चेंजेज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में किस तरह सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे अब यहाँ पर मैं लिक्विड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ यानी कि उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है लेकिन स्टूडेंट्स वो वीकर होते हैं सॉलिड से और टाइटली पैक भी नहीं होते तो ये लिक्विड का स्ट्रक्चर है इसके बीच में ही मैं लिख रही हूँ इज इट क्लियर अब यहाँ पर ये मैं गैस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दिखा रही हूँ आपको क्योंकि हमने इसमें स्टेट्स पढ़नी है कि मैटर किस किस स्टेट में चेंज हो रहा है कैसे हो रहा है स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना तो उनकी डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है तो इस वजह से जैसे ही हम इसको किसी कंटेनर में या किसी चीज़ में डालते हैं तो ये वैसी शेप अटेन कर लेते हैं इज़ इट क्लियर अब स्टूडेंट्स हम इसमें चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कि जब हम उन्हें हीट करते हैं अब यहां पे क्या करें हम एडिंग हीट अब जब हम हीट देंगे तो क्या होगा जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे तो यहां पे हीट ऐड करने की वजह से प्रोसेस क्या हो रहा है मेल्टिंग का इज इट क्लियर हीट की वजह से क्या हो रहे हैं मेल्ट हो रहे हैं ऑबवियसली जब ये मेल्ट होंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे इसी तरह स्टूडेंट्स जब ये लिक्विड में चेंज होंगे और हीट हम बढ़ा देंगे तो जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट uh, है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगी यानी कि हीट ऐड करने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स मेल्ट होंगे और लिक्विड में चेंज हो जाएंगे इसी तरह जब हम हीट ऐड कर रहे हैं उसके अंदर तो आप देखेंगे कि हीट की वजह से जो इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो फास्ट होगी मूव वो फास्ट करना शुरू कर देंगे लिक्विड में क्योंकि इसमें इंटरमोलेक्क्युलर फोर्सेस स्पेसेस कम होती हैं फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन वीक होती है तो जब हीट मिलती है तो ये पार्टिकल्स बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं जैसे आप पानी को बॉयल करते हैं तो आपने देखा है उसमें पार्टिकल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं उसमें बबल बन रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिर क्या होता है मेल्टिंग के बाद जब आप करेंगे तो वो बॉयलिंग की वजह से वेपर्स में चेंज हो जाएंगे यानी गैशियस स्टेट में चले जाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स और इसी तरह जब आप अभी तक हमने जो स्टेट ऑफ मैटर में सीखा वो ये कि जब हम हीट को ऐड करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम हीट देते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं ना वो तेज़ हो जाते हैं और वो फिर लिक्विड में चेंज होते हैं लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स और इनके दरम्यान जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टर मूव करना शुरू कर देते हैं और बॉयलिंग फिर उसमें गैशियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं अब स्टूडेंट अगर हम हीट को ख़त्म कर दें मतलब हमने अब पानी को बॉयल कर रहे थे बॉयल हो गया अब हमने स्टोव ऑफ किया अब हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो क्या होगा बॉयल हो गया अब आपने क्या करना है रिमूव हीट मतलब आपने जो चूल्हा है या जिसके ऊपर आप हीट दे रहे थे कोई भी है बर्नर है तो उससे क्या होगा कि आपने बॉयलिंग के बाद हीट को ख़त्म कर देना है रिमूव कर देना है अब कूलिंग इफ़ेक्ट में क्या होगा तो आप एक बात याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट कूल cool हो जाते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है जब हम हीट देते हैं तो पार्टिकल्स तेज़ी के साथ मूव करते हैं ठीक है क्योंकि उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट होना होता है जब हम हीट को रिमूव कर देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो मूव करेंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा है फिर क्या होगा जो गैसेस हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी लिक्विड के अंदर और जब गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन स्टूडेंट्स यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट कंडेंसेशन इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह भी दे सकती हूँ जैसे आपके पास एक ठंडे पानी का ग्लास है ठीक है अब आप जब उस ग्लास को एक टेबल पे रखें तो आप एग्जामिन करेंगे कि ग्लास जो है वो बाहर से आपको गीला नजर आएगा क्यों क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है और वो गैस को लिक्विड में चेंज कर देता है सो वी कॉल्ड एट कंडेंसेशन इज इट क्लियर अब स्टूडेंट क्या होगा गैस किस में चेंज गई लिक्विड में अब लिक्विड के बाद चीज़ किस प्रोसेस पर आएगी फ्रीजिंग पर जिससे हम कहेंगे कि वो सॉलिड मटेरियल में चेंज हो गई है यानी कि फ्रीजिंग इज इट क्लियर तो चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है सिंपल कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है हीट के ऐड करने से और हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक कैसे लेकर जाते हैं हीट को रिमूव कर देने से इज इट क्लियर तो स्टूडेंट्स ये चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसमें पहले मेल्टिंग बॉइलिंग फिर अगर आप हीट को रिमूव कर दें तो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा यानी सॉलिड लिक्विड में लिक्विड गैस में जब हम हीट ऐड करते हैं और जब हम हीट रिमूव कर देते हैं तो यही गैस के पार्टिकल्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं और फिर यही लिक्विड जो है वो फ्रीजिंग में चेंज हो जाता है यानी सॉलिड में चेंज हो जाता है इज इट क्लियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में से भी ले सकते हैं जैसे आपके पास शुगर है ठीक है अब आप क्या करेंगे आप उसको मेल्ट करना चाहते हैं शुगर क्या है सॉलिड में है जब आप उसको हीट देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो हीट की वजह से फास्टर मूव करने की वजह से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होने की वजह से गैशियस स्टेट में अब गैशियस स्टेट के बाद जब आप हीट बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो सेमी लिक्विड बनेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रीज यानी कैरमल की शेप में आ जाएगा वो सेमी लिक्विड कहलाएगा और उसके बाद वो हार्ड हो जाएगा जिसे हम सो वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी शुगर ठीक है तो ये एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है कि किस तरह जो है सॉलिड लिक्विड में लिक्विड गैस में और जो गैस है वो दोबारा लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है इज इट क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज नंबर सिक्सटी प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर अब हमारा अगला टॉपिक है जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे प्रोसेस हैं जैसे मेल्टिंग फ्रीजिंग बॉइलिंग कंडेंसेशन इवेपोरेशन अब इनकी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये जो है वो मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स में चेंज होते हैं इन टॉपिक को अब हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो तमाम बच्चे जो हैं वो पूरी तवज्जो के साथ सुने और आप इसमें डेली लाइफ की जो है एग्जांपल्स वो ऐड कर सकते हैं अपने समझने के लिए जैसे मैंने अभी आपको शुगर की एग्जांपल दी और आपको बताया कि किस तरह शुगर जो है वो सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है अगला टॉपिक है प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर इन स्टेट्स ऑफ मैटर तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है मेल्टिंग राइट लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस नहीं सॉरी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा डिस्कस किया चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर में जिसमें मैंने आपको बताया कि जब हम हीट ऐड करते हैं तो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टूडेंट्स जब सॉलिड को हीट करें और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं ठीक है जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताऊं यहां पे एक कैंडल की एग्जाम्पल आपकी दी हुई है जिसमें आप देखें कि जब आप हीट करते हैं तो जो उसकी वैक्स होती है वो मेल्ट होकर नीचे गिरना शुरू हो जाती है जैसे मैं यहाँ एक कैंडल ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट्स जब आप देखेंगे कि ये हीट की वजह से क्या होगा कि जो वैक्स है ये सारी वैक्स है ठीक है ये क्या होगा ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ठीक है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये सॉलिड में है हार्ड है तो क्या होगा कि जब हम हीट करेंगे इसे तो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे और वाइब्रेट होने की वजह से ये होगा कि उनके स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन जो उनके दरमियान थी जो वो टाइटली पैक थे वो वीक होना शुरू हो जाएगी तभी तो पार्टिकल्स मेल्ट हो जाएंगे उसके मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके दरम्यान फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी तभी सॉलिड जो है वो मेल्टिंग में चला जाएगा यानी लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये कैंडल की एग्जांपल आपको इसलिए दी है कि आप ये देखें हम घरों में इस्तेमाल भी करते हैं करते थे मतलब अब तो इसका रुझान कम हो चुका है तो आप ये देखिए कि कैंडल जो है ये सॉलिड मटेरियल है यानी वैक्स से बनी है लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो आपने देखा है कि इसकी जो वैक्स है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है यानी सॉलिड के जो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन वीक होना शुरू हो जाती है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो पार्टिकल्स हैं जो हमने उनको दिया है टेम्परेचर हीट दी है उसमें पार्टिकल्स बड़ी तेज़ी के साथ मूव करते हैं ठीक है तो जो पार्टिकल्स जो हैं ना वो फिर एक फिक्स पोजीशन पर आके रुक जाते हैं और उसकी एक फ़िक्स शेप दे देते हैं आफ्टर कोलैप्सिंग ठीक है और उसके बाद क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेल्टिंग और जिस टेम्परेचर पर हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं आई मीन लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है क्या कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, इज इट क्लियर तो स्टूडेंट्स आपने इस फिना को याद रखने स्टूडेंट इसी तरह एक, है ये आइसक्रीम है आपने देखा है कि आइसक्रीम जो है वो भी बहुत तेज़ी के साथ मेल्ट होना शुरू होती है ठीक है तो आप ये देखें कि उसके अंदर भी जब एक स्ट्र... हमारा जो रूम टेम्परेचर है अगर हम उसके अंदर रखेंगे तो फ्रीज़र में रखा हुआ टेम्परेचर उसका कितना हाई होता है कि आप उसमें देखें कि उसमें कोई चीज़ मेल्ट नहीं होती लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हैं रूम टेम्परेचर में लाते हैं तो टेम्परेचर की वजह से ठीक है वो फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है कि आइसक्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है और उसके पार्टिकल सारे फास्टली मूव करते हैं और उसमें से आपने देखा है कि अक्सर आपको जो है वो भाप सी निकलती हुई नज़र आ रही होती है तो वो यही होता है कि टेम्परेचर जो है वो आपस में कोलैप्स करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आइसक्रीम है वो आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाती है अब फ्रीजिंग की बात करते हैं इसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल कैंडल की ही दूंगी सेकेंड में हमारे पास है फ्रीजिंग स्टूडेंट जब लिक्विड ठंडा हो जाता है अभी देखे मैंने आपको बताया कि जब सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में ठीक है जब हम हीट देते हैं अब फ्रीजिंग में क्या होता है लिक्विड हो जाता है कूल लिक्विड इज कूल्ड इसमें क्या होता है कि लिक्विड कूल cool होने के बाद चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में ठीक है यानी कि इसमें लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग अब इसमें कैंडल की एग्जांपल कैसे आएगी देखें मेल्टिंग के दौरान क्या हुआ था कि जब हमने हीट दी तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे उनके दरमियान में मूवमेंट स्टार्ट हो गई और मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी मूवमेंट हो गई तेज़ और तेज होने के बाद जो सॉलिड का मटेरियल था यानी ये वैक्स थी ये वैक्स है ये मेल्ट होना शुरू हो गई अच्छा स्टूडेंट्स जब ये मेल्ट हो गई तो आपने देखा कि जहाँ पर हमने इसको रखा था वहां पर भी वैक्स सारी मौजूद है अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो ये प्रोसेस तो हमारा कहलाया मेल्टिंग अब स्टूडेंट्स आपने गौर किया होगा कि जब कैंडल से वैक्स गिरती है तो जिस एरिया पर वो गिरती है वहां पर वो फ्रीज हो जाती है ठीक है वैक्स वहां पे जम जाती है तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो लिक्विड है जो हीट ऐड करने की वजह से लिक्विड में चेंज हो गए थे वो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि अपनी फिक्स पोजीशन ले लेते हैं ठीक है और उनकी शेप भी फिक्स हो जाती है जब वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और कूल cool हो जाते हैं यानी हीट उनमें से रिमूव कर दी जाती है तो लिक्विड फिर सॉलिड में चेंज हो जाता है तो आपने देखा है कि जो वैक्स है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है वहाँ पर और आप उसको खींच कर जो है वो निकालते हैं तो लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना वो कहलाता है फ्रीजिंग क्या कहलाता है फ्रीजिंग तो स्टूडेंट इसी तरह क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को गेन करते हैं जैसे वैक्स गिर रही थी जैसे जैसे वो कूल cool होती गई उसकी एक पोजीशन बन गई उसकी एक शेप बन गई फिक्स्ड और उसके बाद क्या होता है कि हमें पता चलता है कि वो फ्रीज हो गई है यानी वो जम गई है वहाँ पर तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है फ्रीजिंग जिसमें लिक्विड कूल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स जो हैं वो गेन कर लेते हैं पोजीशन को और उनकी पर्टिकुलर शेप आ जाती है और उसके बाद वो उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्रीजिंग लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड सॉरी सॉलिड इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग और स्टूडेंट्स जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है इज़ इट क्लियर तो स्टूडेंट्स इसी तरह मेल्टिंग में हमने पढ़ा था कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है यानी मेल्ट हो रहा है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा एज इट इज फ्रीजिंग में लिक्विड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट इज इट क्लियर नेक्स्ट कम्स बॉइलिंग लेट्स थर्ड हमारा जो है पॉइंट वो है बॉइलिंग एज वी नो बॉइलिंग जो है वो एक सेफेस्ट वे है हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बॉइल करते हैं लेकिन बॉइलिंग में जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारी वाटर की ही आती है तो स्टूडेंट्स इस तरह देखा जाए तो बॉयलिंग वो प्रोसेस है कि इसमें हम लिक्विड लाइक वाटर उसे हम हीट करते हैं ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको एक बीकर और उसमें डायग्राम के थ्रू बताती हूँ ये हमारे पास एक कंटेनर है अब बॉयलिंग में हमने किसकी एग्जांपल लेनी है वाटर मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर बना रही हूं ताकि आपको पता चल जाए ये स्टैंड ठीक है अच्छा यहां पर हमने कैंडल या कोई भी आप बर्नर वगैरह भी जला सकते हैं जिसकी वजह से हीट मिलनी चाहिए बस बेसिकली ये इसके अंदर क्या है वाटर है ठीक है ये स्टैंड है तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बना देती हूँ जिससे हीट मिल रही है अब आप देखेंगे कि जब पानी को हम डालते हैं एक कंटेनर के अंदर और नीचे से हमारे पास जो है वो बर्नर उसे ऑन कर देते हैं चाहे वो कैंडल है या कोई भी आपने स्टोव है आपके पास तो आप देखेंगे कि जो लिक्विड है यानी पानी जब उसे आप हीट करते हैं तो उसमें पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है ठीक है और आपने घर में भी देखा है कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो पार्टिकल्स बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं वीक ठीक है लिक्विड में तो ऑलरेडी सॉलिड से अगर हम कंपैरिजन करें तो वीक हैं तो जो पार्टिकल्स हैं यानी कि ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ़ एट्रैक्शन क्या हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं और ये पार्टिकल्स बड़ी तेज़ी के साथ मूव करते हैं हर जगह पे वाइब्रेट करते हैं यानी इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और क्या होता है कि इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन वीक होती हैं और ये बड़ी तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं तो so स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर पर क्या होता है कि मूवमेंट की जो पार्टिकल्स uh, की जो मूवमेंट है वो इतनी फास्ट हो जाती है कि हर पार्टिकल जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और उसके बाद जो लिक्विड है वो गैशियस फॉर्म में यानी स्टीम में चेंज होता है आपने देखा ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया ये ये स्टीम है ये भाप जो निकल रही है बेसिकली ये स्टीम या आप इसको गैस कह सकते हैं तो स्टूडेंट्स बॉयलिंग का वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड यानी कि वाटर जब आप उसे एक ख़ास टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उसमें ये होता है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है फास्ट होने के बाद ये होता है कि इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन है जिन्होंने इसको पैक किया हुआ था और अपने साथ जोड़ा हुआ था वो वीक होना शुरू होती है और फिर एक ऐसे फिक्स टेम्परेचर पर जाकर ये अब तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट होने के बाद ये होता है कि ये लिक्विड जो है वो गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है यानी स्टीम में जो आपको ऊपर निकलता धुआँ नज़र भी आ रहा होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बॉयलिंग क्या कहते हैं बॉइलिंग तो स्टूडेंट्स वही बात कि जो टेम्परेचर हम देते हैं कि लिक्विड बॉइल हो जाए उसमें तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट और स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसको बी डॉट पी से भी रिप्रजेंट कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हंड्रेड डिग्री राइट right? और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का जीरो डिग्री वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज जीरो डिग्री राइट तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है ये एम के तौर पर भी आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का तो आपने ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडेंसेशन, राइट right? तो कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है थर्ड ये फोर्थ है कंडेंसेशन जैसा कि अभी चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया कि जब हम गैशियस स्टेट को मतलब जब हमारे पास सॉलिड लिक्विड में लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है तो चेंज होने के बाद ऐसा होता है कि जब हम हीट रिमूव करते हैं तो वो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है कूल cool होने के बाद जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन अब इसका प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं सो पेज नंबर सिक्सटी वन स्टूडेंट्स ये रिवर्स प्रोसेस है कि जब गैस कूल cool हो जाती है तो किस तरह गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है और लिक्विड सॉलिड में तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी आपने चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा कि जब हम हीट ऐड करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा कि गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में चेंज होगी अच्छा जी तो जो स्टूडेंट्स अब कंडेंसेशन में होता है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी थी कि आपके पास एक ग्लास है पानी का ठंडा पानी है उसमें आप आइस क्यूब्स डाल रहे हैं उसमें तो आप देखेंगे कि ग्लास जो है बाहर से भी सारा गीला हुआ हुआ होगा क्योंकि आपको उसमें भी नमी नज़र आएगी इसमें इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत स्लो मूव करते हैं और उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगर होती है क्योंकि जब गैस कूल होती है और लिक्विड में चेंज होती है तो उसमें फोर्सेस ऑफ़ एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी स्लो मूव करते हैं बहुत ज़्यादा तो और जब लोअर टेम्परेचर के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं और जो पार्टिकल्स हैं या एक्सटर्नल टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स हैं करीब के वो आपस में मिलते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं ठीक है जैसे आपने देखा कि जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में जब मतलब कोई भी कोल्डर ऑब्जेक्ट है आपके पास तो वो कंडेंस हो जाते हैं जैसे आप देखें कि वाटर ड्रॉप्स हैं विंडो के ऊपर आ जाते हैं ठीक है और जब ठंड होती है तो आपने देखा है ना कि विंडो के ऊपर नमी आ जाती है और वाटर ड्रॉप्स इजीली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल कर रहे होते हैं मूव कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन का ही है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है वो डिपेंड करती है और एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है वो गैस को लिक्विड में चेंज कर देता है जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं इज इट क्लियर स्टूडेंट्स लास्ट हमारा जो इसका टॉपिक है वो है इवेपोरेशन और उसके बाद सब्लिमेशन तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस करें फोर्थ के बाद पॉइंट फाइव है इवेपोरेशन स्टूडेंट्स ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं इसकी के इवेपोरेशन क्या होता है ये क्या प्रोसेस है स्टूडेंट इसके अंदर ये होता है कि आपका जो लिक्विड है वो ओपन कंटेनर के अंदर ही रहता है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें से सरफेस के ऊपर यानी एटमॉस्फेयर में ओपन एयर जाना शुरू हो जाते हैं ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन यानी देखें जैसे आप कपड़े धोकर डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसमें पानी और वो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में और हीट की वजह से क्या है वो इवेपोरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं तो इवेपोरेशन में जो एग्जांपल है बेस्ट वो क्लॉथ्स की है ठीक है वेट क्लॉथ्स वो आई कैसे ड्राई होते हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस से कि उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है और आपने ये देखा है कि जो वाटर है वो ज़्यादा फास्टर इवेपोरेट होता है हॉट समर्स में क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हीट देंगे उतनी जल्दी प्रोसेस होगा और वो वाटर जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे आपने चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ा तो स्टूडेंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे आप कपड़े धोकर धूप में डाल देते हैं तो आप देखें कि टेम्परेचर होने की वजह से गर्मी होने की वजह से सूरज की और हीट की वजह से क्या होता है कि वो लिक्विड गैस में चेंज होता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं मतलब ड्राई हो जाते हैं तो ये इवेपोरेशन का ही प्रोसेस है स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी 5.10 दी गई है जिसमें लिखा है कि आपने एक बिग ट्रे लेनी है और बिग स्टैंड लेना है उसके ऊपर आपने कुछ पानी डाल देना है यानी स्टैंड ट्रे के अंदर आपने पानी डालना है उसको स्ट्रैंड uh, पर फिट करें और उसके बाद आपने हाफ बीकर लेना है वाटर का और उसके नीचे आप इसी तरह जैसे वो बॉयलिंग में मैंने आपको बताया कि आप नीचे कैंडल या कोई बर्नर चला दें तो उससे ये होगा कि आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हीट जब उस ट्रे के साथ टच करेगी तो क्या होगा आप देखेंगे वाटर हीट वहाँ तक भी पहुँचेगी तो वो लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसके पार्टिकल्स आपको इवेपोरेट होते नजर आएंगे इज इट क्लियर स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सब्लिमेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सब्लिमेशन स्टूडेंट्स ये भी आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इसकी डिटेल आप वैसे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे लेकिन जो यहाँ पर बताया गया है वो हम पढ़ लेते हैं इसमें होता है कि जब हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है और कंटिन्यू जो है ना हीट करने की वजह से क्या होता है कि लिक्विड मुसलसल गैशियस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है ठीक है ज़्यादा हीट मिलने की वजह से वो फिर गैशियस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है तो इससे ये होता है कि वो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करें तो वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चेंज हो जाए बजाय सॉलिड लिक्विड स्टेट में जाने के तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन यानी इसमें हीट करने की वजह से जो हीट सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इंटू स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्टली गैशिय स्टेट में चेंज हो जाना क्या कहलाता है सब्लिमेशन इज़ इट क्लियर जबकि हमने चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा कि पहले जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है लिक्विड गैस में लेकिन सब्लिमेशन वो प्रोसेस है कि इसके अंदर हमारे मुसलसल हीट देने की वजह से यानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देने की वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन स्टूडेंट जैसे ड्राई आइस है ठीक है तो आपको पता है कि वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैस में ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन की स्टूडेंट इसका प्रैक्टिकल वर्क है या आप बड़ी क्लास में जाके प्रैक्टिकली देखेंगे कि सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देती हूँ कि उसमें ये होता है कि आपको एक मिक्सचर है कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड है और सैंड आपने क्या करना है एक चाइना डिश लेनी है यानी ये प्रैक्टिकल आपकी नाइन टेंथ के लेवल का है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्या होगा कि आपने क्या करना है कि अमोनियम क्लोराइड का आपने मिक्सचर लेना है और सैंड यानी रेत लेनी है चाइना डिश होती है उसके अंदर डालना है आपने उसको और उसके बाद फनल से उसको कवर कर देना है और उसके ऊपर कॉटन स्वैब से कवर कर देना यानी जो फनल होती है उसका ऊपर से हिस्सा कवर कर देना है फनल इस तरह होती है ये जो हिस्सा है यहां ये ओपनिंग होती है इसकी तो आपने इसको कॉटन स्वैब से कवर कर देना है ये क्या है फनल और चाइना डिश की बात करूं तो वो बिल्कुल इस तरह होती है ठीक है तो ये चाइना डिश है लैब में आप इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल्स के दौरान तो चाइना डिश में आपने अमोनियम क्लोराइड लेना है और फनल से इसके ऊपर फनल रखनी है सैंड इसके अंदर पहले से मौजूद है और फनल रखने के बाद आपने इसको कॉटन के साथ कवर कर देना है और जब आप इसको कॉटन के साथ कवर कर देंगे तो नीचे से आपने क्या करना है कि ऑन कर देना है जो भी आपने बर्नर लगाया हुआ है या इसके अलावा आपने इसको मतलब हीट देनी है आप देखेंगे जो मिक्सचर ऑफ सैंड और अमोनियम क्लोराइड है आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरह चेंज होना शुरू हो जाएगा तो ये प्रैक्टिकल है आपका कि जो उसमें वाइट पाउडर होगा यानी अमोनियम क्लोराइड वो सारा ये फनल की वॉल्स पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि कॉटन से हमने इसको कवर किया हुआ है तो गैस स्टेट में तो ये चेंज नहीं होगा अगर हम इसको उठा देंगे और जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड है और सैंड का मिक्सचर है उसमें देखेंगे कि वाइट पार्टिकल सारे ऊपर फनल के इस एरिया में वॉल्स के साथ स्टिक कर जाएंगे क्योंकि ऊपर से कॉटन से कवर है तो स्टूडेंट्स ये एक सब्लिमेशन का प्रैक्टिकल है जो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे यानी नाइन टेंथ में आप इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था जिसमें प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट्स ऑफ मेटर जिसमें हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ा मेल्टिंग दैन फ्रीजिंग फिर हमने बॉयलिंग के बारे में पढ़ा इसी तरह कंडेंसेशन एवेपोरेशन एंड सब्लीमेसन इसकी डिटेल मैंने आपको सारी समझा दी है आप इनकी एग्जांपल्स को समझने के लिए अपनी डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल्स भी एड कर सकते हैं राइट right? स्टूडेंट्स अब हैं की पॉइंट्स स्टूडेंट की पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले आप चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमसे तीन सवाल पूछे गए थे क्योंकि अब हमने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है तो अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया वो है व्हाट डज़ पार्टिकल्स इन साइंटिफिक लैंग्वेज मीन यानि साइंसी ज़ुबान में इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं उन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में हम एटम, आयंस मॉलिक्यूल्स ये कहते हैं राइट right? और स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है द पर्सन रिलेटेड टू साइंस ऑफन टॉक अबाउट द एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, वट आर दीज तो स्टूडेंट्स ये इसका ऑल्टरनेट है देखिए कि ये तमाम क्या हैं ये मैटर हैं ठीक है थीके? यानी सॉलिड लिक्विड गैस यानी ये मैटर है ये जो एटम मॉलिक्यूल और आइम्स हैं हम इन्हें क्या कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कहेंगे और स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि इज देयर एनी मटीरियल थिंग नॉट कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है नो देर इज नॉट एनी मटीरियल विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स स्टूडेंट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर से मिलके ना बनी हो अब आप देखिए ये बोर्ड है आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो तमाम चीज़ें पार्टिकल से मिल बनी हैं यानी मैटर से मिल बनी हैं तो स्टूडेंट्स मैटर हमने पढ़ा कि टाइनी पार्टिकल्स हैं जैसे एटम के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मैटर से लिंक करता है अगर ये आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है तो आप उसके छोटे छोटे पीसीस करें तो जो सबसे छोटा जर्रा होगा जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो एटम कहलाता है इसी तरह जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है और मैटर की स्टेट्स भी हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो स्टूडेंट्स इनका आंसर आपको पता चल गया अब की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स देखें एनीथिंग थिंग विच हैज अस एंड ओकोपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर यानी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है जिसका वजन होता है वो कहलाता है मैटर सेकेंड है कि मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है वी नो मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस थर्ड पॉइंट है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज यानी जो हवा है वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है ठीक है अब हमने सॉलिड में पढ़ा फोर्थ पॉइंट है हमारा जिसे मैं आपको उर्दू में ब्रीफ़ करी हूँ कि जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो फ़िक्स्ड उनकी पोजीशन होती है और फ़िक्स्ड उनकी शेप होती है फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज तो होते हैं लेकिन वो उनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड तो स्टूडेंट्स इसलिए जो सॉ लिक्विड होते हैं उनकी फ़िक्स शेप नहीं होती फिक्स वॉल्यूम होता है क्योंकि आप उसको जिस कंटेनर में पोर आउट करेंगे वो वैसी शेप को अटेन करेगा स्टूडेंट्स इसके बाद गैसेस की बात करें या गैसेस की बात करें तो इसमें ना तो गैसेस का फिक्स शेप है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है क्योंकि इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में जैसे मैंने आपको हम अपनी एग्जांपल दी थी कि हम सांस लेते हैं तो इसमें भी ऑक्सीजन गैस है जिसे हम इनेल करते हैं ऑक्सीजन को तो ये हमारी हवा में हर जगह मौजूद है इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स शेप नहीं है तो इस लिहाज से ऑक्सीजन है हम इन इनहेल करने के लिए उसे लेते हैं यानी सांस लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं इसी तरह लिक्विड को जब सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो वो फ्रीजिंग कहलाता है बॉयलिंग में क्या होता है आपके पास लिक्विड गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है उसे हम बॉयलिंग कहते हैं कंडेंसेशन में क्या होता है कि कंडेंसेशन में आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कंडेंसेशन यानी लिक्विड्स का वेपर्स में चेंज हो जाना ठीक है और इसी तरह फिर आपका इवेपोरेशन इसमें भी यही होता है कि आपका लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है और डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा कि जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं जैसे मैंने आपको स्प्रे की एग्जांपल दी थी कि आपके पास परफ्यूम है जब आप उसको स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बड़े एरिया से छोटे एरिया यानी पूरे कमरे में इवन अ कॉर्नर वहाँ तक भी उसकी फ्रेगरेंस जा रही होती है तो ये डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है इसी तरह सब्लिमेशन के बारे में मैंने आपको बताया और एक प्रैक्टिकल वर्क भी मैंने आपको जो है वो थोड़ा बहुत बता दिया कि सब्लिमेशन में हीट जो है वो सॉलिड हीट करने की वजह से सॉलिड को वो डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन इज इट क्लियर स्टूडेंट्स अब हैं हमारे पास एम सी क्यूज एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं एम सी क्यूज जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको इसके आंसर्स लिख रही हूँ यानी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो मैं यहाँ पर लिखूंगी और आप तमाम बच्चे इसको अपनी बुक पर नोट डाउन करते जाए उसके बाद जो इसकी फिलिंदी ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं ये आपने खुद बनाने इस चैप्टर में से क्योंकि हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो आप तमाम बच्चों ने इसकी फिलिंदी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स खुद बनाने हैं क्योंकि चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है अब हम लोग इसके एम सी क्यूज कर रहे हैं नंबर वन है स्टेटमेंट पढ़ के करेक्ट ऑप्शन मैं यहाँ लिख दूंगी देयर आर स्ट्रोंग फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डैश सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेज ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स अभी हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा कि जो फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन है वो किसमें स्ट्रोंग होती हैं सॉलिड्स में सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज सॉलिड्स सॉलिड एंड लिक्विड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली एज देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड लूजली पैक्ड लैकिंग स्पेसेस अमंग दैम स्कैटर्ड इरेग्यूलरली स्टूडेंट्स जो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके दरम्यान में स्पेसिस कम होती हैं ठीक है तो इसलिए ऑप्शन सी लैकिंग स्पेसिज अमंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इन टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग इवेपोरेशन फ्रीजिंग और कंडेंसेशन करेक्ट ऑप्शन इज डी कंडेंसेशन Changing of substance directly from solid state to gaseous state on heating is called sublimation is called sublimation. Materials that don't take the shape of the container solids, liquids, gases, all of these solids. क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेट शेप होती है जिसकी वजह से ये अपनी शेप के मुताबिक ही जो है और अपने वॉल्यूम के मुताबिक शेप को अटेन करते हैं तो ऑप्शन ए सॉलिड वेन आ गैस कंडेंसेज इट बिकम्स आ लिक्विड ऑब्वियसली यू हैव लर्न इन द रीडिंग वेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगेन टू वाइब्रेट फास्ट जब हम हीट एड करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होती है जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी के साथ मूव करना शुरू करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड सो करेक्ट ऑप्शन इज सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर मोर टू एन एरिया वेयर दे आर लेस इज called डिफ्यूजन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी मटेरियल का मूव करना वो कहलाता है डिफ्यूजन नंबर टेन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू बॉइलिंग स्टूडेंट्स बॉइलिंग का ऑपोजिट क्या है फ्रीजिंग तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी विच इज फ्रीजिंग तो स्टूडेंट्स एम सी क्यू नंबर वन में ए करेक्ट ऑप्शन है जो है सॉलिड्स एम सी क्यू नंबर टू में सी करेक्ट ऑप्शन है जिसका मतलब है लैकिंग स्पेसिस अमंग दैम एम सी क्यू नंबर थ्री में डी इसका करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ कंडेंसेशन एम सी क्यू नंबर फोर सब्लिमेशन एम सी क्यू नंबर फाइव सॉलिड्स एम सी क्यू नंबर सिक्स का आंसर है लिक्विड्स देन सेवन लिक्विड के बाद है वाइब्रेट फास्ट एम सी क्यू नंबर एट में हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है नाइन में है डिफ्यूजन और टेन लास्ट जो है वो है फ्रीजिंग यानी कि जो बॉइलिंग का ऑपोजिट है वो क्या है फ्रीजिंग स्टूडेंट्स चैप्टर की रीडिंग और हमने एम सी क्यूज कम्प्लीट कर ली हैं आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और इसमें जो आपके स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आए थे वो आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं उनको आप अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लें और इसमें जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको आपने एज अ डिक्टेशन वर्ड्स करना है और इसके अलावा ये है कि इसमें जो आपके मीनिंग्स आए हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के उनके आपने मीनिंग्स भी अच्छे तरीके से करने हैं और इसके जो फॉल्स हैं और फिलिंदी ब्लैंक्स हैं वो आपने ख़ुद बनानी है इस चैप्टर में से क्योंकि हम इसकी रीडिंग को कंप्लीट कर चुके हैं सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़